दोस्तों, आपका फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल अपन ने जो प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन आज प्राकृत संख्याओं के वर्गों, गणों या फिर सम विषम संख्याओं के वर्ग या गणों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और 20 तक इसका योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसका अगर एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। देखो, इसका फॉर्मूला होगा n (n+1)(2n+1) और बट्टे में 6, और n बराबर जो होगा वो होगा 20। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, और अगर इसको याद नहीं करना चाहते हो तो देखो मैं एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, उस हिसाब से कर सकते हो आप। इसका देखो लास्ट की संख्या कितनी है, 20। तो 20 को ले लेंगे अपन, ये हो गया 20 × 21, यानी कि 20 को उठाएंगे 20 और कंटिन्यू 20 × 21, और जो यहाँ जो तीसरी संख्या आएगी वो इन दोनों का योग आएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 41, और बट्टे में 6। ठीक है, इसको हल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 3 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 10। तो अपने पास कितना आ गया, 10 × 7 × 41। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 कम 7 और 7 चौक 28, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2870। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 × 21, दो संख्या तो कंटिन्यू, और उसके बाद में जो तीसरी संख्या होगी वो पीछे वाली दोनों संख्याओं का योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, 1 से 20 तक सम वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या फिर ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 1² + 3² + 5² और 19 तक, यानी कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। इसमें जो ट्रिक है दोस्तों, वो या सम हो या फिर विषम संख्या हो या सम हो, दोनों में एक ही ट्रिक लगेगी। ठीक है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है या विषम है। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक होगी दोस्तों, ये लास्ट का जो क्वेश्चन है, लास्ट की जो संख्या है इसको उठाएंगे और 19 × 20 × 21 और बट्टे में 6, सिर्फ इतना करना है। यानी कि देखो, जो कंटिन्यू जो संख्याएं होती हैं, सम और विषम दोनों मिक्स में होती हैं, उनमें अपन दो लेते हैं 20 × 21, और जो तीसरी संख्या होती है वो दोनों पीछे वाली दोनों संख्याओं का योग आता है। इसमें योग नहीं आता दोस्तों, इसमें यानी कि सम हो या फिर विषम हो, यानी कि जो सम विषम मिक्स नहीं होती हैं उनके अंदर कंटिन्यू आती हैं, 19, 20, 21। अब इसको हल करेंगे अपन, 3 से 7, 3 से 2, इसको 2 से काट, ये हो गया 10, कितना आ गया, 19 × 10 × 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 7 को और 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 63 और 1 हो गया 133, 10 से 1 मल्टीप्लाई करने पे 1 शून्य लग जाएगी, कितना हो गया, 1330। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ये विषम वाला था, अभी अपन सम वाला करेंगे। तो देखो, सम वाले में क्या है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग वही है, फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला भी होता है, वो भी सेम होता है दोनों में, सम या विषम वाले क्वेश्चन में, n × n+1 × n+2/6। ये सम संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हैं इससे, और विषम संख्याओं का जो वर्ग में दी हुई होती है, इस प्रकार स्क्वायर में दी हुई होती है। ठीक है, ट्रिक इसमें अब अपन फॉर्मूले से न करके इसको ट्रिक से करेंगे। अपन क्या दिया हुआ, 20, तो 20 × 21 × 22 और बट्टे में 6, हल करेंगे कितना हो गया, 3 से 7, 3 से 2, अब 2 से हल करेंगे कितना हो गया, 11, कितना आ गया, 20 × 7 × 11, तो 11 × 7 = 77, 77 को अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 154 और 0, कितना आ गया, 1540, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 21 तक घन संख्याओं का योगफल होगा, यानी कि 1 से 21 तक घन संख्याओं का जब अपने को योगफल याद करना है। तो दोस्तों, इसमें देखो सीधा सा फॉर्मूला है इसका, यानी कि जो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर समांतर श्रेणी या प्राकृत संख्याओं का योग याद करना सीखा था, उसी ट्रिक से हो जाएगा। समांतर श्रेणी का योग और उसका स्क्वायर कर दो। तो समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात किया था, मैंने बताया था कि प्रथम संख्या यानी कि सॉरी हाँ प्रथम संख्या कितनी है, 1, और अंतिम संख्या कितनी है, 20, और बट्टे में कितना है, 2,
अब ये संख्या टोटल कितनी है, एक से लेकर 20 तक टोटल कितनी हो गई, 20। तो इसको अपन करेंगे कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 21 × 10 बराबर कितना हो गया 210। ये तो दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी कि एक से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग है। इसका लास्ट में अपन स्क्वायर कर देंगे, अपना क्यूब वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1441, 2 शून्य और लग जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 441। यानी कि जब अपने को लगातार क्रमागत संख्याओं के घन संख्याओं का योग याद करना होता है तो अपन पहले उतनी ही संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग याद कर लेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे दो मल्टीप्लाई टोटल कुल कितनी संख्या होती है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, उनका योग आ गया 210, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 44,100। और इसका अगर आप फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला इसका होता है n×n+1/2 और इसका स्क्वायर इसमें रख सकते हो, और n=20 लेकर के, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको समांतर श्रेणी के हिसाब से ज्ञात करेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 से 20 तक सम घन संख्याओं का योगफल, यानी कि सम घन संख्याओं का योगफल। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो ये जो अपनी संख्या है ये अपना क्वेश्चन है, इसमें से देखो अपन क्या कॉमन ले लेंगे, 2 की घात 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, फिर 2 की घात 3 और फिर 3 की घात 3, ठीक है, यहाँ रह जाएगा 10 की घात 3, इसके क्यूब लगा सकते हैं। तो देखो ये तो कितना हो गया 8, और ये किस प्रकार से हो गया, सेम वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अपना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था अपना 1 से लेकर 20 तक की घन संख्याओं का योग, ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की घन संख्याओं का योग। तो पहले इसके अंदर वाली इस प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे याद करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा दो और इनटू टोटल कितनी संख्या है 10, इसका स्क्वायर, ये हो गया 5। तो 8 × 10 से 1 कितने हो गया 11, और 11 को 5 से इंटू करेंगे 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 का करेंगे 25, एक संख्या बढ़ाकर गुणा करेंगे 30, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×5=40 और 8×2=16=4=20 और 8×3=24, यानी 24,200, ये हो गया 24,200। तो ये अपना आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और जो अपने नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है और जिस पर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो उपलब्ध करूँगा आपके लिए। धन्यवाद।